नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय संस्कृति में। मैं हूं आपका चिर परिचित, एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि तांबे के बर्तन में पानी पीना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है। इसे अमृत के समान माना जाता है, जो हमारे शरीर को कई रोगों से दूर करता है। लेकिन ये तांबे का बर्तन आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, यानी कि ये जहर की तरह भी काम कर सकता है। ये बात जानकर आपको शायद थोड़ा सा अजीब लग सकता है। हाल ही में हुए शोध ने इस बात को प्रमाण के साथ कहा गया है। आप यदि तांबे के बर्तन में कुछ चीज़ों को रखते हैं तो इससे वो जहर की तरह हो जाती है। इसीलिए इन चीज़ों को आपको तांबे के बर्तन में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। अचार, अचार रखना हानिकारक हो सकता है तांबे के बर्तन में। जी हाँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि तांबे के बर्तन में कॉपर की मात्रा अधिक होती है, जो अचार के साथ मिलकर एसिड बना देती है, जिससे फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। नींबू, कुछ लोगों की आदत रहती है कि वे तांबे के बर्तन में नींबू के पानी को डाल लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये नींबू का पानी या रस जब इंसान पीता है तो इससे उसको गैस, पेट दर्द की शिकायत हो सकती है और कई बार उल्टी तक हो सकती है। दही, भले ही दही हमारी सेहत के लिए गुणकारी होती है, लेकिन दही को यदि आप तांबे के बर्तन में रखते हो, वो भी दही जमाने के लिए, तो इससे आपको फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है और आप पेट संबंधित कई बीमारियों से भी परेशान हो सकते हो। खट्टे फल, जी हाँ दोस्तों, कभी भी कटे हुए खट्टे फल तांबे के किसी भी तरीके के बर्तन में नहीं रखने चाहिए। यदि आप तांबे के बर्तन में खट्टे फलों का सेवन करते हो तो इससे आपके शरीर में कमजोरी और आलस आदि की बीमारियाँ लग सकती हैं। भले ही तांबे के बर्तन में रखा पानी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो, लेकिन उसमें इस तरीके की अन्य चीज़ें भूलकर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़रूरतमंद लोगों तक भेजने का भी प्रयास करें। इसीलिए वीडियो को लाइक डिसलाइक भी करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।